No, 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 no. दोस्तों पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल बेस चुका है 2020, जो कि 1 जनवरी है आज। एंड गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाला है। और गाइज, अगर आप 2020 में यानी कि सीजन 20 में अगर आप रैंक पुश करना चाहते हो और ग्लोबल जाना चाहते हो, तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं डुओ की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप प्रत्येक डुओ में मतलब बुया कर सकते हो। अगर बुया नहीं करोगे तो टॉप 3 या 2 में तो आ सकते हो गाइज। जी हाँ गाइज, टॉप 3 में आ सकते हो। सो गाइज, मैंने ये खुद ट्राई किया एंड आज रात को मैं 2 बार खेल रहा था, 2 बार रेगुलरली बुया किया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। सो गाइज, क्या है टिप्स एंड ट्रिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, पहली टिप्स एंड ट्रिक है कि आपको उतरने की जगह क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम मैप के कोने में जाकर उतरो, इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोने में जाकर उतरो, कहीं भी उतरो, लेकिन गाइज आप जहाँ पर उतरते हो वहाँ पर बंदे नहीं आना चाहिए। एंड जो आपका टीममेट है उसको आप पहले बता दो, भले ही बात करो या ना करो, पहले आप बता दो कि तू मेरे से 30 से 40 मीटर से दूर मेरे से मत जाना, ठीक है। अगर इससे दूर गया तो मतलब दो बंदे एक साथ होकर हमें मार सकते, नॉक कर सकते, और फिर वो एक दो अकेला नहीं संभाल सकता। एंड टिप नंबर 2 मैं आपको बताऊँ तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रखना है। जैसे कि मैं आपको इसमें कॉन्फिडेंट की बात कैसे आती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। सो गाइज, हमेशा आपको कॉन्फिडेंट रखना है। एंड गाइज, देख सकते हो मैंने पहले थोड़ी सी लूट वहाँ की, फटाफट आ गया ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑब्जर्वेटरी बंदी नहीं गई, क्योंकि बंदे मैक्सिमम आ सकते थे तो हैंगर बंदे नहीं आए, इसका मतलब ऑब्जर्वेटरी बंदे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्लेन इसी टाइप से आया था। एंड गाइज, जब भी आप प्लेन में बैठो तो आप एक तो स्कैनर लेना मत भूलना, दूसरी भले कुछ भी ले सकते हो, लोग बोलते हैं वो बोलते बोन फायर लो, लेकिन गाइज जब हम फाइट कर रहे हैं तो बोन फायर यूज़ कैसे कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है, तो इसलिए गाइज आप स्कैनर ले सकते हो, बाकी जब कोई भी ले सकते हो। एंड ऐसी जगह जाओ जहाँ पर आपको लूट मिले एंड बंदे भी नहीं आए, एंड अगर बंदे भी आ जाते हैं एक दो तो आप हैंडल कर लो, इतना कॉन्फिडेंट रख लो अपने आप में। सो गाइज, एक बात और आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। एंड 2020 में हम कुछ नया करने वाले हैं जो कि यार ज़रूर करेंगे हम, एंड आपको भी पसंद आएगा। और गाइस, ऐसी वीडियो आगे भी हम लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए एंड वीडियो को लाइक है मैं आपको जितना करना है कर दीजिए भाई को यार, क्योंकि न्यू ईयर है, आप मुझे न्यू ईयर का गिफ्ट के तौर पर लाइक दे सकते हो। सो गाइस, उम्मीद है आप लाइक ज़रूर करोगे। सो गाइज, यहाँ पर हम फटाफट लूट कर लेते हैं। लूट करने के बाद जो भी टिप्स एंड ट्रिक है मैं आपको मतलब पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपको मतलब खेलना है गेम एंड कैसे बुया करना है। देखो, अब हम उतरे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से लूट करेंगे। लूट करने के बाद कहाँ जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि जोन कहाँ पर बनाए, जोन कहाँ पर बनाए, जोन इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ गाइज, जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही जोन बनता है हम जोन की तरफ हमें भाग लेना चाहिए। अगर हम जोन की तरफ नहीं भागेंगे तो जैसे ही हम बाद में जोन की तरफ भागेंगे, जब जोन श्रिंक चलने लगेगा, तो गाइज हमें बंदे जोन में जाकर पहले से ही हमें मार सकते हैं। इसलिए गाइज, जब भी जोन बने फटाफट तुरंत जोन में भाग जाओ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, लॉन्च पैड से हम आए थे यहाँ पर ग्रेवयार्ड के आसपास। सो गाइज, यहाँ पर मेरा दोस्त है जो कि किंग दाम है इसका, जो कि मतलब मेरे गांव का ही है। सो गाइज, ये हीरोइक प्लेयर है और आज हम हीरोइक प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, और किस तरह से बुया करते हैं वो खुद देखना। सो गाइज, पहली टिप्स ये है कि देखो मेरा दोस्त आ रहा है नीचे, जैसे ही नीचे आता है उसको बंदे मारने लग जाते हैं। मैं उसके पास 3 ग्लूवाल थे, कितने 3 ग्लूवाल, तो मैंने बोला उसको बंदे मारने लगते तो फटाफट मैंने बोला 2-3 ग्लूवाल लगाकर आ जा, क्योंकि ग्लूवाल अगर हमारे वेस्ट हो गए लेकिन हम तो बस जाएंगे नहीं। तो मैंने बोला 2-3 ग्लूवाल लगाकर फटाफट ऊपर से आ जा। तो गाइज, उसने 2-3 ग्लूवाल आसपास लगाया एंड ऊपर से आ गया, तो उस बंदों को शक नहीं हुआ कि वो बंदा इधर ही है, इधर ही है, तो वो उधर गए थे, उनको हम नहीं मिले। सो गाइज, यहाँ पर वो उसको मतलब मार रहे बंदे। सो गाइज, यहाँ पर मैंने उसको बोला कि जब भी आपके सामने एनिमी हो और आप फाइट नहीं लेना चाहते हो, गाइज अगर आपको मैच बुया करना है तो आपको किल के लिए नहीं खेलना है, किल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप कि कितना सर्वाइव करते हो, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ एंड अब भी बता रहा हूँ, आप कितना सर्वाइव करते हो ये इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज, अगर आप किल 2 भी कर लेते हो यानी कि 400 से 600 का डैमेज बहुत है, एक रैंक मैच में बुया करोगे तो आपके अच्छे खासे प्लस होंगे, ठीक है। तो आपको 400 से 400 का डैमेज बहुत है। एंड गाइज, ज़्यादातर आपको क्या करना है, डुओ में डबल डोर में कैंप कर सकते हो। सो गाइज, अब यहाँ पर हम कैंप करेंगे बहुत टाइम तक, एंड यहाँ पर आप लैंड माइन लगा सकते हो ऊपर, जैसे कि मैं लगाता हूँ ऊपर, यहाँ पर लगा देना है। फिर जैसे ही बंदा आएगा मतलब कूदेगा तो भी लैंड माइन फटेगा नहीं, क्योंकि हम जोन के लिए मैटर करते हैं, हम फटाफट जोन में आ जाना। सो गाइज, अब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट ट्रिप क्या करनी है। सो दोस्तों, जैसे ही मैं जोन बना तो हम जोन की तरफ भाग रहे हैं एंड सामने एक बंदा है।
सो गाइज मैंने उनको बोल दिया कि तू सतर्क रहना, मैं पहले रश करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने हमने डैमेज बहुत सारा दे दिया है। सो गाइज इसके पीछे एक बंदा, गाइज वो एक बंदा है इसलिए हम रश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दो बंदे होते तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी गाइज 14 बंदे बचे हैं। जब आप 15 के अंदर आ जाओ यानी कि 10 बंदे लेफ्ट रहे तब आप फाइट ले सकते हो, इसमें आपका माइनस भी नहीं लगेगा ज़्यादा अगर लगेगा भी तो। एंड अगर आप बुया करना चाहते हो तो मैं टिप्स बता रहा हूँ वही फॉलो कीजिएगा। अब गाइज एक टिप्स ये है कि अगर आप सामने एक बंदा आया और अगर आप खुले में लड़ रहे हो तो गाइज खुले में कभी मत लड़ना, खुले में लड़ोगे तो बंदे मार सकते हैं भले भी आपके पास कितने भी ग्लोवल हो, इसलिए गाइज हमेशा कवर लेकर खेलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से, मतलब खुले में लड़ा, सामने बंदा है वो ग्लोवल लगा हुआ, मैं चाहता तो खुले में मार सकता लेकिन पहले मैंने प्रेफर किया कि कवर लूँ, तो कवर लेकर देख सकते हो गाइज आराम से नॉक किया एंड इसको किल भी कर दिया। तो गाइज कवर लेकर खेलो, आपको रिस्क भी नहीं रहेगा एंड आराम से बुया कर सकते हो। एंड गाइज अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आने वाली है कि किस तरह से आप बुया कर सकते हो, क्योंकि गाइज लास्ट जोन में बंदों के पास क्या करते हैं बंदे यार, पहले ही मतलब रस करके ऐसे ऐसे करके अपनी वेस्ट डैमेज कर लेते हैं, लेकिन गाइज अगर आप वेस्ट डैमेज करोगे तो आप बुया नहीं कर सकते हो, इसलिए गाइज वेस्ट डैमेज आपको नहीं करनी है, लास्ट तक अपनी वेस्ट को बसाए रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज यहाँ पर वेस्ट अपडेटर था तो मैंने फटाफट वेस्ट अपडेट की, लेवल 3 की कर दी। और गाइज जितनी भी आपके लेवल है, अगर लेवल 2 की भी है तो आप वेस्ट को डैमेज मत करना, डैमेज करोगे तो आप मर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर हम देख सकते हो 8 बंदे अलाइव हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम उसको लड़ने देंगे, हमारा 1 किल हो गया एंड हम बुया करेंगे तो 1-2 किल और हो जाएगा। सो गाइज जोन में रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो गाइज यहाँ से लॉन्चर मारना है तो हम भाग जाएंगे, हम उसके बंदा को पता है, हमको पता है कि बंदा कहाँ पर है लेकिन हम उसको नहीं मारेंगे। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ध्यान से सुनना, दोस्तों अगर लास्ट जोन आपकी तरफ नहीं बने तो आपको क्या करना है, अपना जो भी दोस्त है उसको बोलना है कि तू उनसे फाइट ले और मैं उस यहाँ से जाता हूँ। तो देख सकते हो गाइज वो दोनों से वो मतलब निपट रहा है, मतलब डैमेज दे रहा है थोड़ा बहुत, तो गाइज मैं देख सकते हो यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर, मतलब वो उसको निपट रहा है और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इसके लिए गाइज मेरे को बहुत फ़ायदा होगा। देख सकते हो गाइज वो उससे निपट रहा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को बहुत फ़ायदा होगा। देखो वो नॉक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं ऊपर से गया तो इनको पता नहीं चला, देखो अब मैं इनको कैसे मारता हूँ दोनों को। लास्ट जोन में गाइज आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज देख सकते हो मैंने हाथ में गन ली क्योंकि पेन है, पीछे का मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज फटाफट नॉक किया एंड मैं गया कवर में, अगर आपके पास पेन है तो पेन पीछे रखो लास्ट जोन में अगर पीछे से बंदा मारता है। सो गाइज यहाँ पर मेडिकेट मत लगाओ एंड डरो मत, डरोगे तो गाइज आप नहीं बुया कर सकते हो। सो गाइज 2 शॉट मारे मैंने, फिर उनके पास शॉट गन थी लेकिन गाइज मैंने इसको आसानी से मार दिया, क्यों मारा क्योंकि मेरे पास छोटी शॉट गन थी जो कि छोटी शॉट गन बहुत खतरनाक होती है। सो गाइज ये टिप्स अपनाओ कि अपने दोस्त को उधर से बोलो और आप इधर से जोन में जाओ, ये एक बहुत ही अच्छी टिप्स है जिससे कि आप आसानी से बुया कर सकते हो। सो गाइज होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। देख सकते हो गाइज मेरे डायमंड 2 में हो और मेरे हीरोइक प्ले ने 2 किल किए, बहुत अच्छा यार।